गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 5th है उसके बुक वर्क के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी बुक वर्क आपकी बुक में है वो सभी आपको करना है। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारी बुक में। क्वेश्चन नंबर है बी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें लिखा है क्रॉस द ओड वन एंड आउट। तो आपको यहाँ पर जो भी ओड है, ओड थिंग है, जो भी डिफरेंट है उसे आपको क्रॉस लगाना है। तो फर्स्ट है ऑक्स, हॉर्स, डंकी, वुल्फ आर डोमेस्टिक एनिमल्स। तो आप सभी को पता है डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो हम हमारे घर में रखते हैं, हमारे फार्म हाउस में रखते हैं और वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो देखिए ऑक्स, यहाँ पर जो ऑक्स है वो डोमेस्टिक एनिमल है, हॉर्स भी हमारा डोमेस्टिक एनिमल है एंड डंकी भी हमारा डोमेस्टिक एनिमल हो सकता है। बिकॉज हम क्या करते हैं, डंकी से क्या करवा सकते हैं। डंकी जो होता है वो जो भी सामान होता है, जो भी बोझ होता है, भारी सामान होता है वो अपने ऊपर लाद कर ले जाता है, राइट। लेकिन वुल्फ जो होता है वो कैसा होता है बच्चों। वुल्फ होता है हमारा वाइल्ड एनिमल जो कि कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो वुल्फ कैसा हो गया, वुल्फ हो गया हमारा ऑड वन। तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। तो मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया है, राइट। तो इसमें आपको बस ऑड वन के ऊपर क्रॉस लगाना है। अब है आपका सेकेंड, पपी, किटन, रैबिट, वल्चर आर पैट एनिमल्स। तो बच्चों पैट एनिमल्स कौन से होते हैं, जो आप घर में पाल सकते हैं, जिन्हें आप घर में रख सकते हैं, है ना। चाहे वो यूज़फुल हो या ना हो पर आप उन्हें घर में रखते हैं, ठीक है। कैसे, एक अपने दोस्त की तरह या अपने फैमिली मेम्बर की तरह आप उन्हें ट्रीट करते हैं, तो वो होते हैं पैट एनिमल्स। तो कौन कौन से हो सकते हैं, पपी हो सकता है, किटन हो सकता है। पपी क्या होता है, डॉग का बेबी, किटन होता है हमारा कैट का बेबी एंड रैबिट जो होता है उसे भी आप घर में रख सकते हैं पैट बना के। बट वल्चर जो होता है वो पैट एनिमल नहीं होता। वल्चर मींस क्या होता है बच्चों, गिद्ध मींस एक बड़ा बर्ड, बहुत बड़ा बर्ड जो कि क्या करता है, जो जो मीट खाता है ना, जो किसी का भी फ्लैश जो होता है, कोई भी अदर एनिमल है तो उनका फ्लैश जो खाता है वो होता है वल्चर। तो वल्चर पैट एनिमल नहीं होता, इसलिए हम वल्चर के आगे क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हैन, डक, फिश गिव अस मीट एंड एग्स। तो हमें मीट और एग्स किससे मिलती है बच्चों। देखो हैन और डक जो है वो हमें एग्स देते हैं बट फिश हमें एग नहीं देती, राइट स्टूडेंट। हम किसका एग खाते हैं, एग हमारा हमें कौन देता है, हैन या फिर डक, राइट। तो फिश के ऊपर हम लगा देंगे यहाँ पे क्रॉस, राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 4th, हॉर्स, बुलॉक, कैमल, डियर पुल कार्ट्स फॉर अस। तो हमारे लिए जो कार्ट्स हैं, जो एक, या आपने देखा होगा कई जगह पे जो एक ठेला जो होता है या फिर कोई गाड़ी होती है लकड़ी की, तो उसे जो भी खींचता है वो कौन होते हैं, या तो वो हॉर्स होगा या बुलॉक होगा या कैमल होगा, राइट। बट डियर ये नहीं करते हैं, इसलिए जो डियर है वो हमारे लिए ऑड हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डियर पे क्रॉस लगा देंगे, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, काउ, गॉट, बफेलो, पिक गिव अस मिल्क। तो हमें मिल्क किन एनिमल से मिलता है, मिल्क हमें मिलता है काउ से, गॉट से एंड बफेलो से, एंड पिक से हमें मिल्क नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पे ऑड वन क्या हो गया बच्चों हमारे लिए, ऑड वन हो गया यहाँ पे हमारे लिए पिक। तो हम पिक के ऊपर लगा देंगे क्रॉस, राइट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन सी पर। तो देखिए इसमें हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर जो सी है उसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ ब्लैंक्स में फिल करना है। तो फर्स्ट है हमारा वी गेट डैश फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो भी डेड एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं मर जाते हैं
तो उनकी जो स्किन है मरने के बाद भी उनकी स्किन हमारे काम आती है। तो क्या काम आती है, उससे हम बनाते हैं लेदर, और लेदर से हमारा क्या क्या बनता है, जैकेट बनती है, शूज़ बनते हैं, पर्स बनते हैं, बेल्ट बनती है, बहुत सारी थिंग्स हम लेदर से बना सकते हैं। तो हमें यहाँ डैश में फिल करना है लेदर, राइट। अब सेकेंड है, वाइल्ड एनिमल्स आर दोज दैट लिव इन डैश। तो वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं बच्चों, जो फॉरेस्ट्स में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं। तो हम यहाँ क्या फिल कर देंगे, फॉरेस्ट हम यहाँ फिल कर देंगे, राइट। अब थर्ड है, एनिमल्स दैट लिव ऑन फार्म्स आर कॉल्ड डैश एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो फार्म्स में रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो भी एनिमल्स फार्म्स में रहते हैं या फिर हमारे घर में रहते हैं और यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, वो क्या कहलाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे, डोमेस्टिक, राइट। अब फोर्थ है हमारा, वी गेट हनी फ्रॉम द हाइव ऑफ हनी बीज। तो हमें हनी किससे मिलता है, हनी बीज के हाइव से, मीन्स मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उनसे हमें मिलता है हनी। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, हनी बीज, राइट। अब है फिफ्थ क्वेश्चन, वी शुड टेक केयर ऑफ टेक आर पेट एनिमल्स टू अ डैश इफ इट सिक। तो हमें जब भी हमारा जो एनिमल होता है वो अगर सिक हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो हमें उसे किसके पास लेके जाना चाहिए, वेट के पास। और वेट क्या होता है बच्चों, वेट होता है एनिमल्स का डॉक्टर, राइट। तो जब भी अगर आपका पेट बीमार पड़ जाता है तो आप उसे किसके पास लेके जाते हैं, वेट के पास, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो ये हमारे चैप्टर नंबर जो 5 है उसका बुक वर्क आज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ओके।